राम राम जी सारे ने। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा करंट अफेयर के टोटली जो जुलाई अगस्त के 30% है, जो एनडी परसेंट जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है उन्ना पे पढ़ांगे। तो सबसे पहली जिक्र होगा वीडियो शुरू करने से पहले, इबे 31 जुलाई गया है पाछे ही, 31 जुलाई को शहीद उद्यम सिंह जयंती मनाई गई है। शहीद उद्यम सिंह जयंती जो है 31 जुलाई को मनाई गई है। पछला टॉपिक गांधी का करवा था, एक आधो बालक का खाया जो जी नू नी ना ना पढ़ाया करो भाई, मेरी सैली है पठान की, मेरे पे यो और के मैं होनी अरिया ना बदले, किसी ने नहीं देखना ना देखो। ओ महान शहीद उद्यम सिंह सब तब हुंदा बालक, फिर बार बार वही प्रश्न पूछ लाइक जी पेपर कद हो गए, पेपर कद हो गए। अरे जिंदगी में जिसने इंतजार करना सीख लिया ना, वो आदमी कदे भी मार कौन खावा है। 13 जुलाई 1919 उद्यम सिंह के पिता स्टैल सिंह कांबोज को जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया था। 21 साल तक इंतजार करया उद्यम सिंह ने, और 21 साल तक इंतजार करके 1940 में माइकल ओ डायर की सीधी छाती में गोली बिठा दी। अरे जिस शख्स ने 21 साल इंतजार करया वो ऐसे ऐसे शहीद हैं, तामे यार 3 महीने का इंतजार कौन कर सकते। मैं सम्मान करता हूं गांधी वाले सिखों का, मैं सम्मान करता हूं गांधी वाली सिखों का, लेकिन मेरे सर पर कर्जा है उद्यम सिंह वाली चीखों का, मेरे सर पर कर्जा है उद्यम सिंह वाली चीखों का। महान शहीद उद्यम सिंह का 31 जुलाई को पेंटन विलेज जेल के अंदर जब इनको फांसी दी गई थी, लंदन के पेंटन विलेज जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। अगले दिन 1 तारीख ने हिंदुस्तान के पंजाब के सुनाम शहर में एक अखबार प्रकाशित हुआ, और अखबार लेके 8 साल की छोरी उद्यम सिंह की मां के दौर गई। रखे नजारा आंखा मत आंसू, अखबार पर टपक पड़ार नुले। आज गर्व हमारे कि उद्यम सिंह जैसा बेटा पैदा हो गया, जिसने अपने बाप की मौत का बदला 7 समुद्र पार जाके ले लिया। महान उद्यम सिंह को नमन करते हुए वीडियो को आगे शुरू करता हूं। जोश आ जाओ आजादी की बातों का, और आना भी चाहिए यार। हरियाणा सरकार ने 3000 जो गुमंतु परिवार जो है, 3000 गुमंतु परिवारों को आवास देने का फैसला लिया है। भाई प्रश्न होगा हरियाणा सरकार ने कितने गुमंतु परिवारों को आवास देने का फैसला कराया, तो 3000 गुमंतु परिवारों को सरकार ने क्या कराया, आवास देने का फैसला कराया, उनको घर दिए जाओगे, ठीक है। उसके बाद एक युवा स्तरीय कार्यक्रम हुआ था हरियाणा में, युवा स्तरीय कार्यक्रम, ये भी शहीदों के लिए था। युवा स्तरीय कार्यक्रम यो है 10 अगस्त को, जगह का नाम है हरियाणा का नव निर्मित जिला चरखी दादरी। चरखी दादरी में युवा स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, 10 अगस्त में हुआ था, और इस कार्यक्रम का थीम जो था वो था शहीदों को नमन। शहीदों को नमन जो है, शहीदों को नमन, मात्रा की गलती हो इसका ध्यान ना दियो भाई, शहीदों को नमन जो है ये इसका कार्यक्रम का थीम था, और 10 अगस्त में चरखी दादरी में राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा कराया गया है। उसके बाद हरियाणा सरकार की एक योजना है, योजना का नाम है सैनिक हित, सैनिक हित हमारा ध्येय, सैनिक हित हमारा ध्येय, यानी सैनिकों के हितों की रक्षा करने के लिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, भाई युद्ध में किसी सैनिक की पहले मृत्यु हो जाया करती तो उसको, यानी शहीद हो जाया करता कोई सैनिक, तो 20 लाख रुपए दिए जाया करते। अब हरियाणा सरकार ने देखो 20 लाख की राशि से बढ़ाकर इसको 50 लाख कर दिया है, यानी अब शहीद सैनिक के परिजनों को कितने लाख रुपए दिए जाओगे हरियाणा सरकार के द्वारा, 50 लाख रुपए दिए जाओगे। मैं तो कहता हूं 50 लाख भी कम है एक शहीद की जान की कीमत, अनमोल है वो शहीद हमारे लिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 1 करोड़ रुपए देती है, बड़ा अच्छा कदम अरविंद केजरीवाल का है। हरियाणा सरकार को भी इसके बारे में चिंतन मनन करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हरियाणा स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है हरियाणा स्वास्थ्य मिशन, देखो जो हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है इसको एक अवार्ड दिया गया, कुपोषण के क्षेत्र में काम करने खातर आउटलुक पोषण अवार्ड दिया गया है, आउटलुक पोषण अवार्ड 2019, आउटलुक पोषण अवार्ड 2019 हरियाणा का जो स्वास्थ्य मिशन जो है उसको कुपोषण से निपटने खातर दिया गया है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक गांव है, गांव का नाम है लंडोरा, और लंडोरा गांव का नाम बदलकर कर दिया है जयरामपुर,
जयरामपुर, जयराम कर दिया हरियाणा सरकार ने, कौन से गांव का नाम बदलकर, लंडोरा गांव का नाम बदलकर जयरामपुर कर दिया गया है। उसके बाद में देखो हरियाणा की जो लिंगानुपात है बहुत कम है, और लिंगानुपात की निगरानी खातर भाई, लिंगानुपात की निगरानी खातर एक डैशबोर्ड बनवाया है हरियाणा सरकार ने। डैशबोर्ड यानी जड़ तक क्या होगा, अपने निगरानी रखी जाओगी सारा सामान की भाई किस किस के कितनी के के चोरी हुई है, या फिर अल्ट्रासाउंड में कोई सा मामला तो नहीं आया जब जिसमें कोई लिंग की जांच करदा पाया वो बतांदा गया, तो उसको ऊपर कार्रवाई करी जाओगी। बहुत बड़ा लेवल का काम है। तो यानी लिंगानुपात की निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कड़े करी गई है। युद्धों की भूमि जो पानीपत जो है, पानीपत के अंदर निगरानी डैशबोर्ड, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना करी गई है। इब्बी रह रहे हैं कई, कम से कम भी 70-80 बड़काएं कमी रह रही, 924 के आसपास है ये, जो उनसे 64-65 युवा बस के बहुत चिंता है, इनको नमन करता हूं मैं, बस कुकरे भगवान इनकी भी सुन ले। निगरानी डैशबोर्ड के है, पानीपत के अंदर इसकी स्थापना होगी, ठीक है। उसके बाद अगली जो खबर है, पिछले दिनों चंद्रयान 2 लॉन्च कराया गया था भाई, देखो चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, देखो चंद्रयान 2 लॉन्च कराया गया, इसरो के चीफ है वर्तमान समय में प्रोफेसर के सिवन, और के सिवन का फोटो देखिए गूगल में सर्च करके, गंजा सा आदमी सिंपल कपड़े पहन रहा है, नोक लगा, ये भारत का इसरो का चीफ है बंदा, बिल्कुल देखने वाला सामान्य सिंपल बच्चा। लोग वैसे अंग्रेजी अंग्रेजी करे जाओ, अंग्रेजी अंग्रेजी करे जाओ, कुछ नहीं अंग्रेजी भाषा में, वैज्ञानिक के सिवन जो है मातृभाषा के अंदर 10वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई करी, और आज जो PhD उड़ता ऑक्सफोर्ड था कोलंबिया था अवस्था उड़ता पढ़ के आ रहे हैं, वह के सिवन के नीचे असिस्टेंट का काम करा है, और जब वो शोध करा तो उन्होंने को कागज पकड़ा दिया, पेन पकड़ा दिया, पेंसिल पकड़ा दी, वह काम कौन करा है, PhD के जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ोड़े हैं वह बालक ये काम करा है, और हमारा जो मातृभूमि के अंदर पढ़ा हुआ आज देश का इतना बड़ा चीफ है, इसरो का चीफ है, तो मातृभूमि को हमेशा महत्व देना चाहिए। चंद्रयान 2 में देखो, चंद्रयान 2 में क्या है, सबसे बड़ी चीज आपने ध्यान रखनी है, इसमें जो यंत्र लगा, जो आग बुझाने वाला, आग का जो कोई थ्रस्ट यंत्र बोला जाओ है, थ्रस्ट यंत्र काम होगा इसका, तो यो हरियाणा के अंबाला नगरी, अंबाला जो है वैज्ञानिक नगरी सबने बेरा है, तो और सबसे अधिक वैज्ञानिक उपकरण जो है वो अंबाला तक बना है, तो आग का जो चंद्रयान 2 में आग की थ्रस्ट मापने वाला जो भी सामान है यो कड़े तक बना है, यो अंबाला तक बना है, यह चीज याद रख लियो, अंबाला में वैज्ञानिक नगरी भी आप अंबाला ने कमा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने खातिर एक काम किया गया है, पौधागिरी अभियान शुरू कराया है, फिर पौधगिरी अभियान, पौधगिरी अभियान, और यो जो पौधगिरी अभियान है यो हरियाणा के कुरुक्षेत्र, गीता की धरती जो है कुरुक्षेत्र से इसको पौधगिरी अभियान को शुरू करने का काम किया गया है, और सरकार का ऐसा मानना है कि 2019 में खट्टर साहब 20 लाख पौधे लुवाओगे। भाई कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है पौधगिरी अभियान में कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, फिर इसे ना रब करूं। देखो 3000 गोमंतू परिवारों को आवास दोगे खट्टर सरकार, युवा स्तरीय कार्यक्रम चरखी दादरी में हुआ, इसका थीम क्या था, शहीदों को नमन था, सैनिक हित हमारा देय के तहत पहले सैनिक को 20 लाख थे कितने रुपए मिलेंगे, शहीद होने पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा स्वास्थ्य मिशन को कुपोषण में काम करने खातर कौन सा अवार्ड मिला है, आउटलुक पोषण अवार्ड 2019 मिला है। लंडोरा गांव का नाम बदल करके कर दिया जयरामपुर कर दिया। निगरानी लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना खड़ा हुई है, पानीपत में हुई है। चंद्रयान 2 के अंदर जो आग की थ्रस्ट मापने वाला यंत्र जो है वो कड़ते लिया था अंबाला तक लिया गया था। उसके बाद पौधागिरी अभियान जो है वो कड़ते शुरू कराया गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से पौधगिरी अभियान को शुरू कराया गया है, और इसके तहत अपने जो खट्टर साहब हैं 20 लाख पौधे लुवाओगे हरियाणा में, ताकि आने वाली पीढ़ियां खट्टर साहब में याद रख सकें। हूं तो रंड आदमी है, कौन याद रखा था, कम से कम पेड़ पौधे खतर तो याद रखोगे। उसके बाद देखो अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले दिनों किया गया था, यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव हरियाणा के कौन से जिले में मनाया गया था, हरियाणा के रोहतक जिले में मनाया गया था। युवाओं को प्रेरणा देने खातिर ये प्रोग्राम कराया गया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आज का युवा भटक गया, चाहे छोरे हो चाहे छोरी हो, समस्या है दूसरे डाल की छिड़गी, पाछे श्री फेसबुक ने ले लो, फेसबुक ने सर्वे कराया था, सर्वे कराया था, तो सर्वे में क्या है भाई, उसके मुताबिक मान लो भारत में बोला कुल महिलाओं की संख्या 10 लाख से, मान लो माना मूलधन 100 रुपए, मान लो भारत में कुल महिलाओं की संख्या 10 लाख है, सारी आएगी इसमें, लेकिन फेसबुक पर अपने देश में महिलाओं का अकाउंट 15 लाख,
यानी फिर ये 5 लाख कौन बच गए, ये वो बच गए जो छोरिया का नाम था जय श्री राम बुलावा किसी ने एक खाता तो छोरी बन के अपने सारे तला गया होगा ना अगला ने सुन दिया ना आपसो अगला ने नींद नू खुनिया हो रही तो छोरी की लबात होने लग रही मैं फोन करेगा बोले हाँ आवाज बदल के व्हाट्सएप पर कह रहे हैं छोरी की तस्वीर लेके अगला अगला चैटिंग करनी शुरू कर देंगे हाय आई एम सोनिया अब वह तो सोनिया है वो गुग्गा वो के नाम उसका ट्रिकलर वो तो कालो लुआई दिखाने लग रहा था ना बिगड़ गया सारा सौदा। युवा महोत्सव कड़ा मनाया गया है हरियाणा के रोहतक जिले में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद एक किताब है काफी कॉफी टेबल बुक बेटियां देखो ये बहुत चर्चित किताब है कॉफी टेबल बुक बेटियां कॉफी टेबल बुक बेटियां जो है इस किताब को किसने लिखा है इस किताब को लिखा है किरण चोपड़ा ने कॉफी टेबल बुक बेटियां जो है इसको किसने लिखा है किरण चोपड़ा ने लिखा है। इस तरह की एक और प्रश्न आज से 2 साल पहले आया था उसमें कॉफी टेबल बुक का जिक्र हुआ था उसके इसका भी आज तो याद रख लियो। उसके बाद अगला है गीता जयंती महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव जो है अब की बार है ये मनाया गया है कौन सा देश में मनाया गया इंग्लैंड के लंदन शहर में मनाया गया 9 से 11 अगस्त के बीच में 9 से 11 अगस्त 2019 के बीच में इंग्लैंड के लंदन शहर में के मनाया गया है गीता जयंती महोत्सव मनाया गया है इंग्लैंड के कौन से शहर में लंदन शहर के अंदर मनाया गया है। इसके अंदर देखो हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री हैं अपने लाला जी विपुल गोयल जो है इसमें शिरकत करने खातर गए थे इसमें। और दूसरी चीज क्या है यो दूसरा महोत्सव था गीता जयंती पहले वाला कड़ा मनाया था पहले वाला मॉरिशस के अंदर मनाया था पहले वाला मॉरिशस में था। दूसरा गीता जयंती महोत्सव अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो कौन से देश में मनाया गया है लंदन शहर जो है लंदन के अंदर मनाया गया ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो है हरियाणा सरकार ने नशों से निपटने खातिर एक कानून बनाया है कानून का नाम है हकोका हकोका ये 25 जुलाई 2019 को चंडीगढ़ में सीएम साहब ने कई सारे मुख्यमंत्रियों का गलत बैठक करके मकोका था एक महाराष्ट्र का कानून उसकी कॉपी करके हकोका लागू कराया गया हरियाणा में नशा पर नियंत्रण खातिर 25 जुलाई 2019 को चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ के सांसद का नाम अगर आपने भेजा तो कमेंट करके बता दियो लगता कि मैं नहीं हो जाऊंगा। उसके बाद देखो अगला ही जो खबर है वह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 1991-92 में शुरुआत हुई थी भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है यो अब की बार हरियाणा के 2 लोगों को दिया जाएगा जिसके अंदर पैरालंपिक खेलों में धूम मचाने वाली हरियाणा की बेटी दीपा मलिक को और दूसरा नाम है कुश्ती के चैंपियन बजरंग पूनिया को बजरंग पूनिया कुश्ती के चैंपियन है बजरंग पूनिया इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है 2019 में 7.5 लाख रुपए इस पुरस्कार का गले इनामी राशि दी जाओ है रुपए दिए जाओ ठीक है। उसके बाद में अगली जो खबर है वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना सीएम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रश्न वो पूछ लेगा भाई कितने परिवारों को शामिल किया जाओगा तो इसके तहत में 25 लाख परिवारों को शामिल किया जाओगा हरियाणा सरकार जो है 6000 रुपए 25 लाख परिवार देगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कितने लाख परिवार शामिल होंगे 25 लाख और हरियाणा सरकार इसमें क्या देगी 6000 रुपए इन परिवारों को गरीब परिवारों को देने का काम करेगी खट्टर सरकार ठीक है। उसके बाद हाँ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम रोहतक में मनाया गया कॉफी टेबल बुक बेटियां किसने लिखी थी किरण चोपड़ा ने गीता जयंती महोत्सव इंटरनेशनल दूसरा मनाया गया है 9 से 11 अगस्त इंग्लैंड में पहले वाला कड़ा था मॉरिशस में हकोका जो है महाराष्ट्र की तरज पर 25 जुलाई 2019 चंडीगढ़ तक शुरू कराया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दीपा मलिक और किसको मिला है बजरंग पूनिया को दिया गया दीपा मलिक का खेल के है वो भी कमेंट करके बता दियो अच्छा लगा जब आप कमेंट करो आप बताओ हाजी वीडियो ठीक लगी एक यार बहुत बड़ी परेशानी है थोड़ा सा वो करो आप आपके यार दोस्त है उनका फोन लेके 20 जने तो होंगे आपके यार दोस्त कम से कम फोन लेके यार 20 जने का चैनल तो सब्सक्राइब करो इसको हो ज्ञान अच्छी चीज है ना उस जितना प्रसार हो उतना बढ़िया हो है तो यो काम जरूर कर दो एक बंदा कम से कम भी 20-20 जना ने चैनल जरूर सब्सक्राइब करा हुआ आपके दिल इच्छा और कुछ कौन मांगा कभी आप तो यह चीज भी याद रख लियो करवाओगे ना सारे हाँ 20-20 जने जरूर करवा दियो ठीक है। उसके बाद देखो अगली जो खबर जो है एक योजना है बाग लगाओ अभियान हरियाणा सरकार की एक योजना है
बाग लगाओ अभियान, बाग लगाओ अभियान। देखो बाग लगाओ अभियान जो है यह योजना शुरू हुई है 12 जुलाई 2019 को हरियाणा के झज्जर जिले से शुरू हुई है। ठीक है, बाग लगाओ अभियान करते शुरू हुई हरियाणा के झज्जर जिले से 12 जुलाई ने शुरू हुई है। उसके बाद में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त को, अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस था। दो आदमियों के नाम याद रखने, एक तो हरियाणा के राज्यपाल ने झंडा खड़ा फहराया था, हरियाणा के राज्यपाल ने झंडा फहराया था भाई फरीदाबाद में, और हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर जो है इन्होंने सोनीपत के अंदर झंडा फहराने का काम किया था। खट्टर ने सोनीपत में झंडा फहराया था और राज्यपाल ने खड़ा फहराया था फरीदाबाद में झंडा फहराने का काम किया था। उसके बाद है हरियाणा का मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा का जो मुख्य चुनाव अधिकारी जो है मुख्य, देखो छोटा सा प्रदेश जो है मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। हरियाणा का मुख्य चुनाव अधिकारी किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल जो है इनको हरियाणा का मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है, याद रख लियो। ठीक है, उसके बाद एक खादी पुरोदा के नाम से एक आदमी को जाना जा करता था, खादी पुरोदा, खादी पुरोदा के नाम से एक व्यक्ति को जाना जाता था, और बड़े दुखद घटना है पिछले दिनों खादी पुरोदा महेश दत्त शर्मा का निधन हो गया। महेश दत्त शर्मा, महेश दत्त शर्मा खादी पुरोदा के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा का पानीपत जो जिला है पानीपत जिले से संबंध रखते थे खादी पुरोदा महेश दत्त। उसके बाद एक और खबर ले लिया, हाँ हरियाणा का पहला मछली कॉलेज, बेरानी केक के करेंगे हरियाणा भी भाई, हरियाणा का पहला मछली कॉलेज यो खोलिया है HCU ने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने, हिसार के अंदर, HSR का मतलब हिसार, हिसार के अंदर हरियाणा का पहला मछली कॉलेज खोला गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो लेना किसी ने। तो ये थी आज की करंट अफेयर, तो जरूर सबने कहूं शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा दियो, 1 लाख का टारगेट अपना अचीव करना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।